कैसे हो? बढ़िया भैया, बढ़िया। अभी हमने आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो दोबारा करवाई हैं 3-3.5 महीने बाद, तो रिजल्ट्स देखकर आपको कैसा लग रहा है? भैया मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गई। पहले कभी भी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी तो मैंने कभी भी इंटरनल पैरामीटर्स के बारे में नहीं सोचा था, बट इतना फ़र्क आ सकता है इंटरनल पैरामीटर्स को चेंज करके, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया मेरे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 90 से 80 आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी, और HbA1c जो मेरा नॉर्मल नहीं था वो नॉर्मल रेंज की तरफ आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को जो फूड की टेम्पटेशन होती थी वो कम होने लग गई है, तो बहुत मतलब मैनेज करना बहुत इजी हो रहा है। डाइट मैनेज करने में अब काफ़ी आसानी रहती होगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम। और मेरे जो थायराइड लेवल्स हैं भैया, वो भी पहले पता नहीं था कि इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं वेट की वजह से, इतना ज़्यादा मतलब उसमें वेट गिरने में प्रॉब्लम लगती है, बट हाँ अब पता चल रहा है कि TSH एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। TSH बहुत बड़ा इशू है, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिर्फ डाइटिंग और फास्टिंग में ही लगे रहते हैं या एंडलेस वर्कआउट्स में लगे रहते हैं, बट आपको अपने इंटरनल पैरामीटर जैसे TSH है या थायराइड लेवल्स है उसका ध्यान रखना चाहिए। अरे मुबारक हो, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। हाँ जी भैया, बहुत ही बढ़ गया, इतना तो मेरा कभी भी नहीं था जितना अब हो गया है। आप फाइनली क्या कहना चाहोगे इन रिपोर्ट से कि अपना जो, अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने इंटरनल पैरामीटर्स पे भी पूरा ध्यान दीजिए, आप अच्छी ट्रेनिंग लो, उसी से ही आपका वेट गिरेगा, और वो इतने अच्छे से गिरेगा कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम और फार बेटर रिजल्ट्स के लिए जाएंगे अब। ठीक है जी।